हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरपीएफ भर्ती 2018 के लिए मैं रीजनिंग के 200 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, जिसमें मैं कवर करने वाला हूं वो सभी प्रश्न जो कि आरपीएफ परीक्षा में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये 200 प्रश्न मैंने 8 से 9 पार्ट में डिवाइड किए हैं और ये पार्ट 1 है। अगर आप चाहते हैं आपको हर एक पार्ट का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचने स्टार्ट हो जाएंगे। इन 200 प्रश्न में मैं पूरी रीजनिंग कवर करने वाला हूं, क्योंकि इससे हर एक चैप्टर से मैं क्वेश्चन लूंगा, 2-3 क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, हर एक टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कवर कराने वाला हूं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो प्लीज आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने सभी फ्रेंड और अपने सभी ग्रुप में शेयर करिए। प्लीज आपसे यही रिक्वेस्ट है मेरी, ठीक है। बाकी आप टाइमिंग भी नोट कर सकते हैं, करंट अफेयर की टाइमिंग है 7:00 बजे, रीजनिंग की 3:00 बजे, मैथ की 9:00 बजे और ऑनलाइन टेस्ट चलता है आपको रात को 10:00 बजे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मेरी दोबारा से फिर कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन चाहिए होता है आपके लिए लगातार वीडियो बनाने के लिए। तो एक लाइक तो बिल्कुल करिएगा जरूर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक सीरीज का क्वेश्चन लिया मैंने, जिसमें लिखा है 44, 40, 34 और नेक्स्ट आपको बताना है 16 और 4। सीरीज देखिए कैसी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज है। जब भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज होगी तो उसमें दो ही कंडीशन चल सकती है, तो कुछ माइनस हो रहा होगा, ठीक है, या फिर किसी नंबर से डिवाइड कर दिया गया होगा, ठीक है, 2 से 3 से। अब डिवाइड करेंगे तो एक सीरीज में डिवाइड होगा, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आना चाहिए था आपका 22 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आना चाहिए था 11, बट ऐसी कुछ नहीं है। 3 से करके देखेंगे तब भी नहीं आएगा, तो मतलब डिवाइड नहीं चल रहा है, माइनस चल रहा है। माइनस भी आपका एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, यानी कि एक नंबर माइनस नहीं चल रहा है। सबसे पहले डिफरेंस 4 का है, दूसरे में 6 का है, इसका मतलब सबसे पहले 4 माइनस हुआ, फिर 6 माइनस होगा, नेक्स्ट में आपका कितना माइनस होगा, 8 माइनस होगा। तो 34 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 26 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका 26 हो जाएगा। 26 में से आप कितना माइनस करेंगे, 10 माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा, और 16 में से माइनस करेंगे आप 12 तो कितना हो जाएगा, 4। यानी कि हमें बिल्कुल पता चल गया कि यहाँ पे 4-6-8-10-12, यानी कि दो दो का डिफरेंस करते हुए, दो दो का इंक्रीमेंट करते हुए हम माइनस करते हुए जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी ट्राई करिए, बिल्कुल यहाँ पे भी यही पैटर्न चल रहा है। तो बस आप फाइंड आउट करिए कि इसमें कितने का डिफरेंस चल रहा है और कितना डिक्रीज किया जा रहा है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन देखिए, अगर आप कभी भी क्वेश्चन को ट्राई करते हैं तो वीडियो को रोक करके किया करें, क्योंकि मैं लगातार क्वेश्चन को कराता जाता हूं, क्योंकि टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि आप खुद भी पढ़ाई करें और मेरी वीडियो भी देख ले, मैं ये चाहता हूं, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है, 11 का, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 13 का। तो इसका मतलब यहाँ पे 11 माइनस हुआ, यहाँ पे 13 माइनस होगा, तो ये भी दो दो के इंक्रीमेंट से हो रहा है, यानी कि 11 फिर 13, तो नेक्स्ट 2 का और बढ़ा देंगे हम तो कितना हो जाएगा, 15, 13 में 2 प्लस करेंगे 15, तो नेक्स्ट आप 15 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 71, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप माइनस करेंगे कितना, 17, 15 में 2 प्लस करेंगे 17, तो 17 माइनस करेंगे 54 में से आप कितना प्लस करेंगे, माइनस करेंगे 19, तो 19 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 35। तो यहाँ पे भी आपका 11 माइनस हुआ, 13 माइनस हुआ, 15, 17, 19 इस तरीके से माइनस चल रहा है, तो 71 इज द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, और देखिए मैं चाहूंगा कि आप क्वेश्चन को ट्राई करिए जरूर, ठीक है, ट्राई करेंगे, क्वेश्चन तो मैं करा ही दूंगा, बट आप खुद ट्राई करके देखेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि आप कितने सही कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, थ्री है, सभी पशुओं के 4 पैर होते हैं। तो सभी पशुओं के 4 पैर होते हैं, सभी बकरियां पशु होती है, तो एक वेन डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, सभी पशुओं के 4 पैर है, यानी कि आपने एक पशु का सबसे पहले एक वेन डायग्राम बनाया, ये हो गया पशु का एक वेन डायग्राम, और सभी पशुओं के 4 पैर होते हैं, तो इसका मतलब इसके ऊपर कोई एक वेन डायग्राम दूसरे वाला गोला आया जो कि 4 पैर वालों का है, ठीक है। तो सभी पशु 4 पैर वाले होते हैं, इस तरीके से आपने बना लिया। यहाँ पे नेक्स्ट बोला जा रहा है कि सभी बकरियां पशु होती हैं, तो सभी के सभी बकरियां पशु कब होगी, देखिए पशु के अंदर अगर मैं बकरी वाला वेन डायग्राम बना दूं तो सभी की सभी बकरी पशु हो जाएंगी, और सभी के सभी पशु आपके 4 पैर वाले हैं, तो इसका मतलब ये आपका वेन डायग्राम बनके तैयार हो गया है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा चुका हूं ऑलरेडी सिलोगिज्म चैप्टर के, ठीक है। अब यहाँ पे निष्कर्ष देखते हैं, पढ़ के निष्कर्ष में क्या क्या दिया गया है। तो पहला निष्कर्ष है यहाँ पे, सभी बकरियां 4 पैर वाली होती है, तो सभी के सभी बकरियां 4 पैर वाली होती है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि बकरियां किसके अंदर है, पशु के अंदर, पशु किसके अंदर है, 4 पैर वाले के अंदर है, तो इसका मतलब सभी की सभी बकरियां भी 4 पैर वाली होती हैं, ये आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना।
दूसरे वाला यहाँ पे क्या दिया गया है, कुछ चार पैर वाली बकरियाँ होती है, तो जब सभी बकरियाँ चार पैर वाली है तो कुछ वाली तो कंडीशन आपकी ओबियसली राइट हो ही जाएगी, तो दोनों राइट हैं। तो कुछ चार पैर वाली बकरियाँ होती हैं, ठीक है ना, तो कुछ चार पैर वाली भी यहाँ पे बकरियाँ हो जाएगी, क्योंकि ये इसके अंदर है ना, ठीक है। पशु सारे के सारे कवर किसने कर रखे, चार पैर वाले ने, तो चार पैर वाले के अंदर पशु है, पशु के अंदर बकरियाँ हैं, तो ये पूरा का पूरा रिलेशन जो पशु के साथ में रहेगा चार पैर वाले का, वही बकरी के साथ में भी रहेगा, तो यहाँ पे ये दोनों के दोनों ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 3 था। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पे जो शब्द लिखा ना सिग्निफिकेंट, इससे इन चारों में से कौन सा नहीं बनाया जा सकता वो आपको बताना है, ठीक है। कौन सा नहीं बनाया जा सकता, नहीं पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला कैसे चेक करेंगे कि बनाया जा सकता है नहीं बनाया जा सकता, तो आप इस तरीके से चेक करेंगे, एस इसमें है, इसमें है, सी भी है, ए भी है, एन भी है और टी भी है, पहले वाला राइट। दूसरे वाला देखिए, इसमें एफ है, ठीक है, आई भी है, ए भी है, एस भी है और सी भी है, बट यहाँ सिग्निफिकेंट में कहीं पे भी ओ नहीं होता है, तो इसका मतलब बी वाला नहीं बनेगा। तो आगे के आपको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जो नहीं बनेगा, बाकी के बनते होंगे, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट हो जाएगा, तो बिल्कुल भी आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं, और ट्राई करिए आप भी, ठीक है, साथ ही साथ मेरे साथ ट्राई करिएगा क्वेश्चन को। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में मार्च को OCTEJ लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में रिटर्न को क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं और तीन क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे मार्च को OCTEJ लिखा जाता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इन सभी अल्फाबेट के नंबर्स क्या हैं, यानी कि एम कौन से नंबर पर आता है, ए कौन से नंबर पर आता है, आर कौन से नंबर पर आता है, सी कौन से नंबर पर आता है। अगर आपको ये पता है तो समझिए आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान बन जाएंगे। अगर आपको ये नहीं पता कि एम कौन से नंबर पे आता है, ए कौन से नंबर पे आता है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड बन जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ, या तो ये याद कर लीजिए, रटने पड़ेंगे। कोई ट्रिक मैं आपको कई बार शेयर कर चुका हूँ टेलीग्राम पे, अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी आपके लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलती रहती है। तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। या फिर एक ट्रिक मैं यहीं पर बता देता हूँ आपको, यहाँ पर आपको क्या करना है, ए से एम तक ए बी सी डी लिखिए, फिर एम के नीचे एन और एन से फिर इधर को जेड तक, इस तरीके। ये इसलिए मैं लिखने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि अपोजिट वर्ड भी आपको याद हो जाएंगे, और ये आपको बहुत ही मतलब 30 सेकंड में लिखना है, इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि 30 सेकंड में आप लिख सकें। फिर उनके ऊपर नंबर डाल लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, M13 पे आता है, इस तरीके से डाल लीजिए। फिर ये 14 पे आएगा, ये 26 पे आएगा, इस तरीके से आप नंबर डाल लेंगे तो आपको धीरे धीरे याद भी हो जाएंगे, और इस तरीके से डालने पर आप कम से कम अपने एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अभी इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्या करना है, इसमें मार्च लिखा है, एम आपका 13 नंबर पर आता है, और ओ आपका कौन से पे आता है, एम में प्लस 2 करेंगे, 13 में 2 प्लस करेंगे कितना जाएगा 15, तो ओ आपका 15 पे आता है, तो यहाँ पे 15 पे ओ हो जाएगा, यानी कि प्लस 2 चला है, ठीक है। फिर यहाँ पे ए आपका पहले पे आता है, सी आपका तीसरे पे आता है, ठीक है, तो ए में फिर 2 प्लस किया हमने, या कितना हो गया 3 हो जाएगा, तो यानी कि 3 चल रही है आपकी प्लस 2 की, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए एम आपका 13 पे था, हमने प्लस 2 किया तो ओ आ गया, ए पहले पे था प्लस 2 किया तो सी आ गया, आर आपका होता है 18 नंबर पे, 2 प्लस करेंगे 20, 20 पे आपका टी हो जाएगा, सी फिर आपका होता है तीसरे नंबर पे, 3 में 2 प्लस करेंगे 5, 5 पे आपका ई आ जाएगा, एच आपका होता है 8वें नंबर पे, 2 प्लस करेंगे 10, 10 पे आपका जे होता है। तो इस तरीके से आप इसमें प्लस 2 करके प्लस 2 करके प्लस 2 करके प्लस 2 करके ये पूरा कोडिंग कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे लिखा है रिटर्न, तो रिटर्न में भी आपको सभी में प्लस 2 करना पड़ेगा, तो रिटर्न में आर आपका आता है 18वें नंबर पे, 18 में 2 प्लस करेंगे 20, 20 पे आपका आता है टी, तो यहाँ पे देख लीजिए टी किस में है, टी सिर्फ इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में है, तो इन दो ऑप्शन को हटा दीजिए, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे कि सबसे आसान तरीका लगे। आर में हमने प्लस 2 किया, आर आता है 18वें पे, 18 में 2 प्लस किया 20, 20 पे आपका टी आ जाता है, बन गया टी। ई आता है आपका 5वें पे, ठीक है, 5 में 2 प्लस करेंगे 7, और 7वें पे क्या आ जाएगा आपका,
जी आ जाएगा, तो जी यहाँ पे देख लीजिए इस ऑप्शन में है, तो बी में, तो आपको पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बी 100% राइट आंसर होगा। बाकी का आप देख लीजिए, टी में प्लस टू करेंगे तो वी हो जाएगा, यू में प्लस टू करेंगे डब्ल्यू हो जाएगा, आर में प्लस टू करेंगे टी हो जाएगा, एन में प्लस टू करेंगे पी हो जाएगा, तो टी जी वी डब्ल्यू टी पी इज द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है और इसमें बोला गया है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या लिखी जा सकती है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये मैं आपको पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। देखिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा रिलेशन लिखा है, 36, 25, 27, 23, 30, 21, 33। नेक्स्ट आपको यहाँ पे बताना है, तो थोड़ा सा ट्राई करिए। ऑप्शन भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या हो सकता है, 35, 32, 22 या ऑप्शन नंबर डी 19। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए थोड़ा सा ट्राई करके, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को रोक करके ट्राई कर लिया होगा। यहाँ पे 25 से और 23 के बीच में देखिए डिफरेंस कितने का है, -2 का है, ठीक है। फिर 27 से 30 में देखिए कितने का है, +3 का है। तो कुछ इसी तरीके की पूरी सीरीज चल रही है, यानी कि 25 से 23 के साथ में चल रहा है -2, 27 से 30 के बीच में चल रहा है +3, फिर 23 से 21 चल रहा है -2, फिर 30 से 33 चल रहा है +3, फिर 21 से चल रहा है -2, तो यहाँ पे आ जाएगा 19, और फिर 33 से 36 चल रहा है +3। तो इस तरीके से सीरीज चल रही थी, आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ, -2, ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट चल रहा है -2, फिर आपका नेक्स्ट चल रहा है -2, तो यहाँ पे आ गया 19। यहाँ पे देखिए इस तरीके से चल रहा है +3, ठीक है, 30 में फिर +3 करेंगे 33 में फिर प्लस करेंगे 36। तो इस तरीके से सीरीज चल रही है, तो आशा करता हूँ कि आपने ऑप्शन डी लगाया होगा, ठीक है। अगर नहीं लगाया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे से इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में मिलेंगे तो आप कर लेंगे, बस ये मैं चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है ये, और इसमें आपको डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है क्या ये, हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तभी पता चलेगा ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है, रवि घर से निकलकर 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर साइकिल से चला, फिर वह दाएं मुड़ गया और 5 किलोमीटर साइकिल से चला। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को शुरुआत से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और करना स्टार्ट कर देंगे, वही लाइन पढ़ेंगे वही लाइन करेंगे, तो कभी भी गलत नहीं होगा डायरेक्शन वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे बोला रवि घर से निकला और 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, तो दक्षिण आपको पता है कौन सी डायरेक्शन में चलना पड़ता है दक्षिण के लिए, यहाँ पे उत्तर दक्षिण, ठीक है, पूर्व पश्चिम। तो दक्षिण के लिए वो चलेगा इस डायरेक्शन में, तो पी यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, तो इस तरीके से वो यहाँ पे ए पॉइंट पे आ जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला गया है, फिर वह दाएं मुड़ गया और 5 किलोमीटर साइकिल से चला, और फिर वो दाएं मुड़ गया और 10 किलोमीटर साइकिल से चला। तो दो बार वो मुड़ा, एक बार 5 किलोमीटर, एक बार 10 किलोमीटर। यहाँ पे आने के बाद में दाएं बताइए कौन सा होगा उसका, भाई जब रवि जो है, रवि है ना, तो वो इस यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, तो उसका दाएं कौन सा होगा, यानी कि राइट साइड कौन सा होगा, ये वाली राइट साइड होगी, ठीक है। क्योंकि अगर आप खुद को खड़ा करके देखें कि मैं यहाँ पे खड़ा होगा यहाँ पे, तो एक हाथ मेरा इस साइड में होगा, एक हाथ इस साइड में होगा, मेरा सामने फेस होगा, इस डायरेक्शन में फेस होगा, तो मेरा राइट हैंड साइड ये होगा। तो दाएं मुड़ा 5 किलोमीटर यहाँ पे मुड़ने के बाद में, अब वो यहाँ पे खड़ा हो गया आके, ठीक है ना। तो यहाँ पे खड़ा होने के बाद में यहाँ पे अब उसका फेस इस डायरेक्शन में है, तो राइट साइड कौन सा होगा, फिर दोबारा फिर वो दाएं मुड़ के 10 किलोमीटर चलता है, तो फिर ये उसका दाएं होगा। यहाँ पे ना लेफ्ट राइट दाएं बाएं में ही बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, यहीं पे क्वेश्चन को गलत कर लेते हैं। तो वही चीज़ मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि जब जिस भी डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक है ना, तो आपको खुद को एज्यूम करिए कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरा एक हाथ इस साइड में और एक हाथ इस साइड में, तो कौन सा हाथ इस साइड में आएगा, दाएं वाला राइट वाला, तो इस डायरेक्शन में आप मुड़ गए, ठीक है। 10 किलोमीटर चलने के बाद में अब देखते हैं क्या बोला गया है नेक्स्ट। यहाँ पे ये 10 किलोमीटर साइकिल से चला, इसके बाद वह बाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर साइकिल से चला। तो यहाँ पे ये और चल लेते हैं लास्ट वाला स्टेप। यहाँ पे अब वो खड़ा है इस डायरेक्शन में, आप खुद सोचिए कि मैं सामने खड़ा हूँ इधर देख रहा हूँ, तो मेरा जो बाएं होगा यानी कि लेफ्ट साइड होगा वो कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो 10 किलोमीटर मैं इस डायरेक्शन में चल देता हूँ, जितना क्वेश्चन में बोला गया अभी तक मैंने सारा कर लिया। अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, सीधे घर से पहुंचने के लिए उसे कितने किलोमीटर साइकिल से चलना होगा। सीधे घर से, भाई उसका घर कहाँ पे था जहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया था, यहाँ से,
और वो पहुंचा कहाँ पे, इस क्यू पॉइंट पे। अब पूछा सीधे जाने के लिए उसे कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा, अभी तो वो मुड़ के जा रहा है ना, पहले यहाँ आया फिर यहाँ पे आया फिर यहाँ पे आया फिर यहाँ पे गया। अब पूछा जा रहा है कि अगर उसको सीधा जाना पड़े, बिल्कुल घर अपने घर से सीधा जाए जहाँ पे अभी वो खड़ा है, तो कितना समय कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा, तो पी से यहाँ तक जाने में कितना लगेगा, ये तो मुझे पता है, ये तो 10 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, 5 है, तो ये 5 ये हो जाएगा, तो 10 और 5 15, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। ये क्वेश्चन आरपीएफ में, आरपीएफ का शायद एसआई या कॉन्स्टेबल में पता नहीं किसमें, बट ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, कई बार आप क्या होते हैं हड़बड़ा के क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, ध्यान से पढ़ते नहीं कि लास्ट लाइन में बोला क्या गया है, तो एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना किलोमीटर हो जाएगा सीधा, अगर उसको जाना होगा तो 15 किलोमीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। चलिए ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, तो 15 किलोमीटर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लुप्त आकृति को पूरा करता है। देखिए सबसे पहले तो ये लुप्त आकृति आपको यहाँ पे बतानी है, ये जान लीजिए, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन की सीरीज ये चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या आएगा ये आपको बताना है, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, तो इन 4 ऑप्शन को भी देख लीजिए। दोस्तों इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा आज ही टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम को मैंने पहले बताया आपको, ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ए बी सी डी ये 4 ऑप्शन है, और 4 ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा वो आपको बताना है। तो देखिए सीरीज को जान लेते हैं, सबसे पहले सीरीज में चल क्या रहा है, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान देकर देखें तो यहाँ पे कितने कोने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भाई कितने 7 कोने हैं, इसमें काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे काउंट करते हैं 1 2 3, यहाँ पे केवल 3 है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि पहले 7 थे, यहाँ पे 5 हो गए, अब 3 हो गए, नेक्स्ट में कितने होंगे, नेक्स्ट में केवल 3 में से 2 माइनस करेंगे बचेगा 1, तो नेक्स्ट में आपका केवल एक ही कोना होना चाहिए, तो एक ऐसा डायग्राम देखे जिसमें एक ही कोना हो। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें तो 2 हो जाएंगे, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा क्योंकि एक ही कोना है, अगर इसकी बात करूँ तो इसमें भी आपके 2 बन रहे हैं और इसमें तो एक भी कोना है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये ऑप्शन समझ में आ गया होगा कि क्यों मैंने इसको लगाया है, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही कोना है, यहाँ पर 7 थे, यहाँ पर 5 हो गए, यहाँ पर 3 हो गए, यहाँ पर 1 रहेगा, तो आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 9 और 10, 2 क्वेश्चन है, इस डायग्राम को देखिए और उसको ध्यान से पढ़िए, फिर यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूँ और क्या राइट आंसर रहेगा वो आप कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे देखिए ये आपका त्रिभुज है, एक ट्रेंगल है, इसमें ये लिखा है पढ़े लिखे युवा, ठीक है, ये एक आपका सर्कल है, इसमें लिखा है कि रोजगार प्राप्त युवा, और एक ये सर्कल है इसमें लिखा है पिछड़ी जाति के युवा। तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें आपको ये नंबर्स को घटा जोड़ के बताना है कि कौन सा राइट आंसर रहेगा। देखिए सबसे पहला है आपका कितने पिछड़ी जाति के युवा अनपढ़ हैं, ठीक है, कितनी पिछड़ी जाति के युवा अनपढ़ हैं, तो इस वेन डायग्राम पे थोड़ा ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे पूछा गया कितनी पिछड़ी जाति के युवा कितने अनपढ़ हैं, तो पढ़े लिखे, देखिए पिछड़ी जाति के युवा ये सारे के सारे ये हैं, ठीक है, इसमें पढ़े लिखे कितने आ गए जो इसको कवर कर रहे हैं, क्योंकि पढ़े लिखे को कवर ये कर रहा है, बचे हुए सारे जितने बचेंगे वो कितने होंगे, वो अनपढ़ होंगे, तो यहाँ पे ये तो कवर कर रहे हैं 11 और 3 आपके हो जाएंगे 14, तो ये तो हो जाएंगे पढ़े लिखे, और 17 और 5 कितना हो गया 22, ये हो जाएंगे अनपढ़, तो पिछड़ी जाति के 22 युवा जो होंगे वो अनपढ़ हो जाएंगे, तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ना ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, बट थोड़ा सा क्या होता है कई बार आप सोचने में गलती कर देते हैं, यहाँ पे आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये 5 प्लस करना है या नहीं करना है, तो ये भी करना है क्योंकि हमें तो पिछड़ी जाति वालों की बात की गई ना, तो सारे के सारे अगर इनको सबको प्लस किया जाए तो ये सब पिछड़ी जाति के, इसमें कितने अनपढ़ हैं, तो 11 और 3 14 तो पढ़े लिखे हैं, और ये 17 और 5 22 अनपढ़ हैं, तो यहाँ पर 22 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया कितने पढ़े लिखे युवा रोजगार प्राप्त हैं, यहाँ पर पूछा पढ़े लिखे युवा रोजगार प्राप्त हैं, तो पढ़े लिखे युवा में कौन से आएंगे, ये सब आएंगे, ठीक है, ये आएंगे पढ़े लिखे में, और उसमें कितना रोजगार प्राप्त हैं, कितने रोजगार प्राप्त हैं, तो सभी पढ़े लिखे हैं बट रोजगार प्राप्त यहाँ पे केवल ये वाले हैं, यानी कि ये वाला पोर्शन, तो 6 और 3 9 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे आप ये 9 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे पूछा कितने पढ़े लिखा लिखे युवा रोजगार प्राप्त हैं, तो भाई पढ़े लिखों में तो केवल ये ही रोजगार प्राप्त है ना, बाकी रोजगार प्राप्त तो और भी हैं बट पढ़े लिखों में ये हैं, तो 6 और 3 9, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 9 का कितना था आपका डी, क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ये भी, इसका भी डी राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में था इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और लगातार इसी टाइप की वीडियोस लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर ही करिएगा बस। अगर आप चाहते हैं, आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, टेस्ट को लगाना चाहते हैं एग्जाम से पहले, तो 20 टेस्ट 120 रुपये में आरपीएफ कांस्टेबल के लिए, आरपीएफ एसआई के लिए 20 टेस्ट 199 रुपये में, तो आप इनको परचेज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो यहाँ पे कोड है, डिस्काउंट कोड, वो सौरभ एसपीएल है, तो इसको यूज करके आप यहाँ पे डिस्काउंट भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने में बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।